तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस ज्ञान के भंडार में। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ 10 क्वेश्चन जो कि हर भर्तियों में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल ये है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है गुजरात। G20 का नया अध्यक्ष हाल ही में किस बनाया गया है? कतर, नीदरलैंड, भारत या इंडोनेशिया। सही उत्तर है भारत। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M-2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? 40, 30, 35, 36। सही उत्तर है 36, 36। अगला सवाल, 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र के पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? पूजा पटेल, सौर्यजीत खेरी, हरिष्का रामचंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सौर्यजीत खेरी। 17 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। डा सीवी आनंद बोस, जगदीश घनसखड़ या ला गणेशन या रमेश बैस। तो इसका सही उत्तर होगा है ए, डा सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2022 को कहां संपन्न हुआ? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या दिल्ली? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है गोवा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस देश ने लैब में तैयार किया गया खून इंसानों में चढ़ाया गया? अमेरिका, फ्रांस, भारत या ब्रिटेन। तो इसका जवाब है आंसर उत्तर सही ब्रिटेन। अगला सवाल, भारत रिजर्व बैंक के डिजिटल कैशिंग के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 1 अक्टूबर 2022, 1 नवंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 या 15 नवंबर 2022। डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। तो इसका सही जवाब होगा 1 नवंबर 2022 को। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली। सही जवाब है अपना राजस्थान। महिला रग्बी वर्ल्ड कप हाल ही में किस देश ने जीता? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील कौन था? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। आज का आखिरी सवाल, कौन से देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? भारत, चीन या वियतनाम या ब्रिटेन। किसने की? सही जवाब है अपना भारत महान, इंडिया ने ए। तो आज के हमारे सवाल खत्म होते हैं। मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो नए जोश के साथ। धन्यवाद।